Hello everyone, this is me, Satya here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट. टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका अपने पर्सन के साथ मैचअप होगा, हाँ या ना. तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो. इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना. क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना. लेट्स बिगिन. किंग ऑफ हार्ट्स, डेफिनेट यस. विद द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, अंडर इधर एक वी डू हैव किंग ऑफ सोर्ड्स. मुझे लगता है कि डेफिनेटली राइट नाउ आपका पर्सन जो है बहुत हद तक अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं है. काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है इस वजह से सफ़र किया है अब तक, और लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही आपके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, जहाँ पर आप ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर ऑब्सेस नहीं करोगे, वहाँ पर जाकर कनेक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं वो या सिचुएशन मुझे लगता है कि बिल्कुल उलट जाएगी. जहाँ पर आप राइट नाउ बहुत ज़्यादा यू नो ऑब्सेस्ड हो इस इंसान के साथ, जहाँ पे आपको लगता है बहुत प्यार करते हो और आपकी ज़िंदगी में इसके बगैर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, और ये वो जो भी इस तरह की चीज़ें आप सोचते हो, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बदल जाएंगी आपके लिए. आप यू नो खुद बदल जाओगे, खुद का नेचर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद आप इस इंसान के अंदर वो चेंज देखोगे जो कि शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि आप शायद इतना ज़्यादा उस टाइम तक जब तक ये पर्सन चेंज होता है आपको यू नो आपके साथ पैचअप करना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि आपका इंटरेस्ट इस इंसान के अंदर उतना रहेगा जितना राइट नाउ है. और मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, यू नो जो सिचुएशन मुझे चेंज होती दिख रही है, जो मुझे लग रहा है कि पैचअप होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ होगा जो कि शायद इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रहेंगे. और मेजॉरिटी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने ऊपर फोकस करना ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको बिलीव है कि कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में. आप ज़्यादा ऑब्सेस नहीं कर रहे हो इस इंसान को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर. मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक या तो सरेंडर कर चुके हो या फिर गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन को लेकर. कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाह रहे हो, जिसमें आप अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि लव लाइफ आपका फोकस रहेगा. सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ, लेकिन तब जब आप इंटरनली स्टेबल फील कर रहे होगे, अपने आप को पीस फील कर रहे होगे फ्रॉम विद इन, तब जाकर आपका और इस इंसान का पैचअप होगा. ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आप इसको परखोगे, जानोगे और फिर जाके डिसीजन लोगे. ऐसा नहीं होगा कि आप यू नो यू वुड बी गोइंग क्रेजी कि हाँ चलो आ गया पर्सन वापस तो यू नो आई मस्ट गेट बैक टू देम. नो, मुझे लगता है कि आप अपना टाइम लोगे, आप अपने गार्ड्स अप रखोगे अंटिल अनलेस ये पर्सन इस सिचुएशन में आए जहाँ पर ये आपको वो सब देता है जो आप चाहते हो. तो मुझे लगता है कि आपका अपर हैंड रहने वाला है आने वाले वक्त में, जब आपका पैचअप होगा उस टाइम तक. मुझे लेकिन लगता है कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. ये जल्दी होते मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन लेट्स सी सम मोर कार्ड्स. टैरो के कार्ड्स ऐड कर लेते हैं. लेट्स सी क्या आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ और कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो. मुझे तो यू नो एक डेफिनेट एनर्जी लग रही है कि पैचअप तो डेफिनेटली होगा, लेकिन तब तक आप शायद आगे बढ़ चुके होगे अपनी ज़िंदगी में, और आप इतना ज़्यादा इसको भाव नहीं दोगे, इतना ज़्यादा यू नो जैसे आप अभी शायद इसका बहुत ज़्यादा नखरे उठाते हो या उठाते थे. और जब यू नो आपका कनेक्शन एंड हुआ तो सिचुएशन डिफरेंट थी, और मुझे लगता है कि अब जब पैचअप होना है तो ये पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार करेगा एज़ कम्पेयर टू आप इसके इसको उस तरह से प्यार नहीं करोगे उस टाइम तक. आपके दिल में इसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रहेंगी. और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक यू नो एक होता है ना कि आप एक लिमिट होती है एक चीज़ की, मुझे लगता है वो लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी होगी बाय द टाइम जब ये पर्सन वापस आएगा और पैचअप करेगा. लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना, और कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो. डेफिनेट यस, डेफिनेट यस, आपका पैचअप होगा. और मुझे लगता है कि वो तभी होते दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जहाँ पर
आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर कोई अटैचमेंट नहीं है. मुझे लगता है कि आप अपने आप को फ्री फील कर रहे होगे जब यू नो इट्स मोर लाइक यू आर रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड फॉर योरसेल्फ. एक लिमिटेशन जो आपने अपने ऊपर रखी हुई थी इस इंसान को लेकर, वो जब आप उससे ब्रेक फ्री करोगे तब आपका इस इंसान के साथ पैचअप होगा. इट्स मोर लाइक गिविंग अप ऑन द सिचुएशन या फिर सरेंडरिंग टू द डिवाइन. जब वो दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी तो आपका पैचअप इस इंसान के साथ हो जाएगा. कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो? वाओ, इट सीम्स लाइक ये बहुत जल्द होने वाला है. जून जुलाई, या अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ जो समर मंथ्स हैं, आप जिस भी कंट्री में रहते हो उसके हिसाब से जो भी समर मंथ्स हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे इस कनेक्शन में. लेकिन जून जुलाई का फेज़ जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा आपके पैचअप के लिए, क्योंकि ये पैचअप जो मुझे दिख रहा है होते हुए ये लास्ट करेगा. मुझे नहीं लग रहा कि ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी. मुझे लगता है कि ये लास्ट करेगा. आपका पर्सन, आपका हार्ट, आपका दिल, आपका प्यार विन करेगा दोबारा, एंड देन जाके आप उसको चांस दोगे. मुझे नहीं लगता कि आप सेटल इन फॉर लेस करोगे. अंडर द डेक वी डू हैव द एम्परर. जब तक ये पर्सन जो किंग ऑफ हार्ट्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, जब तक इसकी एनर्जी एम्परर की नहीं होगी तब तक आप इस इंसान को गिवन नहीं करोगे. और मुझे लगता है कि अब से यू नो सिंस मैं ये रीडिंग जो है वो आई शुड नॉट मैंशन, क्योंकि जो लोग बाद में देखेंगे लेट इट बी फॉर दैम एज वेल. लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को देखो उससे नेक्स्ट वाला जो भी टाइम होगा उसमें जून जुलाई का फेज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. और अगर मैं अब की बात करूँ तो लेट मी पुट इट दिस वे कि अभी मैं ये रीडिंग, क्योंकि आपको ऑब्वियसली वो उसमें डेट मेंशन होगी जब भी आप लेटर ऑन भी चेक करते हो, लेकिन सिंस आई एम डूइंग इट इन अप्रैल, सो अप्रैल के बाद मई जून, सो 1 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान का वापसी जो है वो आप देख सकोगे. लेकिन सिंस इट्स अ जनरल रीड और सिंस इट्स फॉर ऑल द साइंस आउट देयर, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि मैच करे, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ पार्ट मैच करे. डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपने ब्रेकअप के हिस्से में कहाँ कहाँ पर हो. और ये जो मैंने मैंशन की बात कि आपकी इनर स्टेबिलिटी, खुद को लेकर कॉन्फिडेंस, वो चीज़ बहुत मैटर करेगी. वो बेसिकली आपकी 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 पूरी लव लाइफ का जो है एक बेस रहेगी. सो मुझे लगता है कि ये वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डेफिनेटली आपका पैचअप होगा और मुझे लगता है कि शादी को लीड करेगा जो आपका पैचअप होगा, और होगा ही तभी जब ये पर्सन इस कंडीशन में होगा जहाँ पर ये शादी को लेकर आगे चल सकता हो, अदरवाइज नहीं होगा. मुझे नहीं लगता कि आप इसकी तरफ कोई स्टेप ले रहे हो. मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेगा और आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ. इसमें ओरेकल कार्ड्स अब इंक्लूड कर लेते हैं. लेट्स फाइंड आउट ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए इस सिचुएशन को लेकर. और जो लोग राइट नाउ पर्सन को चेस कर रहे हैं तो आपका पैचअप नहीं हो रहा, ये उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्फिडेंट होंगे. और अगर आप जब तक वो बदल नहीं जाते हो अपना एटीट्यूड तब तक आपका पैचअप होने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे. आई जस्ट हैड समथिंग जिसकी ऐसे फिंगर्स जो है रेड है बट या सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस आपकी. आई एम द एंजल ऑफ फैमिलीज, अ हैप्पी चेंज और एडिशन इज कमिंग टू योर फैमिली. वाओ, अगेन मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने का टाइम एंड आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली एक हैप्पी चेंज, एक हैप्पी पर्सन जो है वो हैप्पी एंट्रेंस जो है वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी एक इंसान की, जो कि शादी की तरफ मुझे लीड करते हुए दिख रहा है कनेक्शन. सो मुझे लग रहा है कि लाइक आई सेड अर्लियर कि जो आने वाले 2 महीने होंगे इस रीडिंग के बाद से, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद से जो 2 महीने होंगे नेक्स्ट, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे. उसके बाद जो जून जुलाई का जो फेज रहेगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा इन रिगार्ड्स टू दिस कनेक्शन. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.